हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं, अभी तीन ही सम रह गया, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू, वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू। चलिए क्या करेंगे आप, पहला स्टेप, एक्स को एक बाजू, डीवाई को एक बाजू, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, डीवाई हमेशा इसी बाजू रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये समझा, इधर कॉमन एक्स आ जाएगा, वाई प्लस एक्स डीवाई बराबर ना इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अभी सोचो सोचो सोचो, सब इधर और डीएक्स इधर, मुझे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए होता है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। सर अगर कॉमन नहीं लिया रहता तो भी चलता, चलता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था वो तो कर दिया हमने, क्लियर है। अब लेट y इज इक्वल टू, कल से अपन tx ले रहे, अभी भी tx ले लेते, ये समझ में आया। इसको अज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव dy by dx is equals to t dy, सॉरी d by dx of x x dt upon dx, याद है ना, u into v डायरेक्टली कल अपन लिख रहे थे, तो यहां पे t plus x dt upon dx, याद आया, मैंने बताया था हर सम में ये कॉमन रहेगा। अब dy के जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है, t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब t स्क्वायर एक्स स्क्वायर है नहीं, माइनस बाहर है इसीलिए अंदर नहीं ले सकता मैं उसे, अपॉन x तो जैसा है वैसे ही, y के जगह पे टी एक्स प्लस एक्स, आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा आराम से, अभी बाद में लिख लेंगे, अभी ध्यान दो सिर्फ, टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कुछ कैंसल होने के चांसेस है, बीच में प्लस साइन है, कैंसल तो नहीं कर सकते हो, यहां तक समझ में आ गया, आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले सकते हो दोनों में, तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन, यहां पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहां पे आएगा टी प्लस वन, अब कैंसिल कर सकते हो, बात समझ में आया। अब आपके पास क्या बच गया, टी प्लस एक्स डी टी अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, सारे टर्म एक बाजू ले लेंगे, टी इधर एक्स उधर आ जाएगा, तो पहले प्लस टी को उधर ले लेता हूं, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन माइनस टी, बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर टी ब्रैकेट टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू वन, तो बात तो ऐसी होगा, अरे समझा क्या, पक्का ना, चलिए मल्टीप्लाई करते, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइन, अभी एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है ना, टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी प्लस वन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, चलिए देखते हैं क्या होता है, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस वन,
माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस वन। कुछ कॉमन, टी को कॉमन ले सकते हो, टी कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा टी माइनस टू टी माइनस वन, बट कैंसल तो हो नहीं सकता है, मतलब इसको यहां तक रख सकते हो, क्लियर है? मतलब इसके आगे और कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसको स्टॉप करते यहां तक। अब सारे टी टर्म एक बाजू और एक्स टर्म एक बाजू ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, जो ऊपर है नीचे और जो नीचे उधर ऊपर हो जाएगा, यहां पे आएगा टी प्लस वन अपॉन माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी डी टी, एक्स इधर और डीएक्स ऊपर हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डीएक्स। ये समझा, सारे टर्म्स एक बाजू आ गए। अब क्या है, इंटीग्रेशन करना है, क्या बात है। तो इंटीग्रेटिंग टी प्लस वन अपॉन माइनस टू टी स्क्वेयर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डीएक्स। अब थोड़ा सा इधर सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। आपको चाहिए तो माइनस को इधर कॉमन ले लोगे तो भी चलेगा, अगर माइनस कॉमन लिया तो यहां पे आएगा टी प्लस वन अपॉन टू टी प्लस वन स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बराबर है, बराबर है। ये समझा क्या किया, खाली माइनस को बाहर लिया। आपको नहीं समझ में आया तो भाई ऐसा रखो, कोई इशू नहीं है मेरे को, वन अपॉन एक्स। अब थोड़ा सा सोचना होगी करना क्या है, तो सोचो क्या कर सकते हो आप, कुछ ऐसा जिससे इंटीग्रेशन निकल सके कि भाई ऊपर वाला वैल्यू आ जाए या कुछ आ जाए। अब इसको अज्यूम करके ये ला सकते हो क्या, देखो लेट अज्यूम कर रहा हूं, टू टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ यू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फोर टी प्लस वन इज इक्वल टू यू, मतलब डी टी अपॉन डी यू वही। बट ये न्यूमरेटर जैसा तो लग नहीं रहा है, मतलब इसे अज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अज्यूम डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो क्या करोगे सोचो थोड़ा सा, मतलब ऐसा कुछ ये रिप्लेस होके ये आ जाए या कोई फॉर्मूला में बन जाए, ऐसा कुछ हो दो और बेटर। इधर मैं टी को कॉमन ले सकता हूं, माइनस टी प्लस वन अपॉन टी को बाहर लिया तो टू टी प्लस वन बचेगा, ये तो नॉर्मल सा स्टेप है, इधर कुछ नया नहीं हुआ, इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डीएक्स, ये टी को बाहर लिया। अब क्या कर सकता हूं, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये कैंसल हो जाए, वन अपॉइंट टी आ जाए और आंसर आ जाए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, टू टी प्लस वन है, न्यूमरेटर में क्या है, टी प्लस वन। जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर लाना, क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए तो कैंसिल हो सकता है, एक प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब माइनस, अगर मुझे इधर टू टी प्लस वन चाहिए तो इधर कुछ तो करना पड़ेगा, माइनस टी, टू टी माइनस टी करेंगे तो क्या आएगा, टी प्लस वन अपॉन टी टू टी प्लस वन। समझा क्या किया मैंने, अरे समझा, समझ में आया क्या किया मैंने? और ये हर बार ऐसे इधर अटक जाओगे तो मैंने बस जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर करो कैंसिल हो जाएगा आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डीएक्स। सिंपल है यहां तक, पक्का? अब ये ब्रैकेट को दोनों के साथ स्प्लिट कर दो, टू टी प्लस वन अपॉन टी टू टी प्लस वन माइनस टी अपॉन टी टू टी प्लस वन डी टी। समझा क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर जो है वो इसके साथ भी गया, ये एक ब्रैकेट है और एक ही ब्रैकेट है ना, बीच में माइनस साइन है, तो ये बंदे को इसके साथ भी लिखा, इसके साथ भी लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। कैंसल कैंसल, समझा? माइनस तो अपने जगह पे ही है, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टू टी प्लस वन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी। बेचारा ये टेंशन में, मतलब मेरा तो लिख दिया फॉर्मूला, लिखेंगे ना इधर तो वैसे ही, मतलब इसके साथ खेल रहा है, मेरे को तो सेम सेम लिख के जा रहा है, करेंगे इसको भी सॉल्व करें, बट ये समझ में आ गया। अब इधर हो गया तो इधर फॉर्मूला देखो, आप इसको अज्यूम करोगे ना, अब लेट टू टी प्लस वन इक्वल टू यू करोगे तो वन आएगा ही आएगा, कैसे, टू टी का आंसर टू प्लस इसका तो जीरो,
डी टी अप डी यू, अरे बराबर है। हाँ तो आई कैन राइट टू ये बाजू लेके, तो डी टी का वैल्यू क्या आएगा, डी टी अपॉइंट टू, डी यू अपॉइंट टू। अरे हाँ तो डी टी को रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं मतलब वन ही होता है ना, अरे समझा ना। हाँ चलिए ठीक, तो यहां पे आ जाता हूँ, यहां पे लिखता हूं मैं लॉग माइनस बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ टी माइनस ध्यान से वन अपॉन टू लॉग टू टी प्लस वन, समझाइए, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, सी को भी मैं लॉग के फॉर्म में लिख देता हूं, समझा क्या किया, पक्का समझा, ये वन अपॉइंट टी हो गया, ये अज्यूम करेंगे तो वही, फिर वन अपॉइंट टू कैसे आया, तो वन अपॉइंट टू के लिए मैंने अभी आपको बताया ना, लेट टू टी प्लस वन इक्वल टू टी यू लिया था मैंने, बराबर है, तो ये टी का डेरिवेटिव वन आएगा, वन इंटू टू टू हो जाएगा, प्लस जीरो डी टी अपॉन डी यू हो गया, टू डी टी अपॉन डी यू हो गया, देयर फोर डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू, तो डी टी की जगह पे क्या आएगा, डी टी की जगह पे डी यू, तो अपॉन टू है ना, तो हाफ इधर आया, समझा यहां तक, पक्का समझा है, 100% समझा है, और कुछ कर सकते हो क्या, तो भाई इधर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाफ है हाफ को वैसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो, चाहिए तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो, इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक योर डिनोमिनेटर इक्वल, इधर टू आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा और कुछ भी नहीं, और माइनस टू इसका पावर बन जाएगा, क्लियर, तो अगर मेरे को करना है तो माइनस टू लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टू टी प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझा पक्का, तो अब इसके आगे क्या सॉल्व होगा जरा देखते, तो इसके आगे भाई ये माइनस को रहने दो, टू इधर डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा है सम, बट क्या करेंगे, है तो है, टू लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टू टी प्लस वन इज इक्वल टू टू लॉग एक्स इंटू सी, प्लस है तो मल्टीप्लाई होएगा ना, टू इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये समझा, ये माइनस इसके लिए था, तो माइनस टू लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस टू, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस सिर्फ इसी टर्म के लिए था ना, सॉरी इधर साइन इसके साथ भी है बस, प्लस लॉग ऑफ टू टी प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये समझा, इसमें कुछ भी डाउट, 100% क्लियर है पक्का, अब और क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो लॉग टू टी प्लस वन माइनस टू लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना स्टेप्स, थोड़ा आपको प्रोसेस लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, कल के सब में सिंप्लीफिकेशन कम था फटाफट आ रहा था, बट इसका सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो रहा है इसलिए लेंथी प्रोसेस में जा रहा है, माइनस है तो क्या आएगा, डिवाइड आप लिख सकते हो लॉग टू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वेर, हाँ इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वेर सी स्क्वेर, अब कट, टू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर सी स्क्वेर, अब क्या करना है, टी के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, तो इधर आ जाएगा टू टी का वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स बराबर है प्लस वन, समझा ना, अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर सी स्क्वेर, ये हो जाएगा टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन वाई स्क्वेर अपॉन एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर सी स्क्वेर, गेटिंग, पक्का समझा, बेस पसंद करवाना पड़ेगा, टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वेर अपॉन एक्स स्क्वेर, ये एक्स स्क्वेर ऊपर जाएगा और इस एक्स के साथ कट हो जाएगा,
एक एक्स बचा ऊपर जा सकता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, 2y+x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स ऊपर आया था, ये समझा? होपफुली समझ रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है इतना बड़ा सम करने को तुम सबको कंटाल आने वाला है। 2y+x(x) अपॉन y²(x²c², क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर है? हाँ। अब ये आंसर है, इसके आगे भी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन है, बट इतना लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा, कंप्लीट करो। सम नंबर थर्ड, क्या है क्वेश्चन? x²y(dx)-x³+y³(dy)=d। चला ध्यान दे बेटा, इधर अपन क्या बात करते रहेंगे, बट पहले इधर सम पे ध्यान दे। नितेश ध्यान दे, तब अपने को dy/dx फाइंड करना है, भाई सब को उधर लेके चले जाओ। आएगा -x³+y³(dy)=-x²y(dx), बराबर? नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं, बाद में माइनस इधर आएगा, कट ही होने वाला है यहां तक। अब मुझे dx इधर और ये इसको इधर लेना है, तो dy/dx=x²y/x³+y। क्लियर? देखो स्टेप सारे सम में सिमिलर ही है मनोहर, सारे सम में स्टेप सिमिलर है, खाली प्रोसेस लंबा इसलिए होता है बिकॉज जो वेरिएबल के वैल्यूज होते हैं उसको एक्सपांड करना अपने को डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे, आप dy तो मिल गया, तो लेट y इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, आवाज कम करो, y इज इक्वल टू t(x), दैट इज dy/dx=t+x(dt)/dx। अब मैंने डायरेक्ट स्टेप किया यहां पे, क्लियर है? रिप्लेस कर देंगे तो dy को रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आएगा t+x(dt)/dx=x²(tx), y का वैल्यू x³+t³(x³), x²(x²)x³t/x³+t³(x³), x³ कॉमन ले लो, तो यहां पे x³ कॉमन आया, तो ये आपके पास 1+t³ बचेगा, बराबर? इधर है t+x(dt)/dx, बराबर? दैट इज इक्वल्स टू t+x(dt)/dx, t 1+t³। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, यहां पे प्लस की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा x(dt)/dx=t/1+t³-t, बराबर? डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, t-t 1+t³/1+t³, बराबर है? t-t-4/1+t³, समझ रहा है ना? ब्रैकेट ओपन, t-t-t⁴/1+t³, प्लस टी माइनस टी कैंसल, तो अपने पास बचा -t⁴/1+t³=x(dt)/dx। यहां तक क्लियर है? अब डी टी को एक साथ और ये बाजू एक आने वाला है, तो ये बाजू आ जाएगा 1+t³/-t⁴/dt=1/x(dx), ये बाजू तो बंदा वही आ रहा है, इधर आ गए। अब इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन माइनस तो ऊपर आ ही जाएगा, इंटीग्रेशन 1+t³/t⁴/dt=∫1/x(dx). अब t⁴ है तो क्या करोगे, बट ऊपर 1+t³ है ना, तो ये t⁴ दोनों के लिए स्प्लिट कर सकते हो, सिंपल, ज्यादा क्यों सोचने का, t⁴ दोनों के लिए डाल दो, सिंपल हो जाएगा, -1/t⁴ + t³/t⁴,
ऐसा कर ही सकते हैं ना, डी टी इज इक्वल टू 1/x dx, इधर तो कुछ कैंसिल नहीं, बट ये इसका 3 और एक इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एक बचेगा, अभी तो सिंपल हो गया, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो इधर बेसिक इंटीग्रेशन, इधर 1/t का इंटीग्रेशन और फिर सिंप्लीफिकेशन है, माइनस अपने जगह पे, इंटीग्रेशन टी रेज टू -4 dt, बीच में है प्लस 1/ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx, क्लियर है, माइनस अपने जगह पे, यहां पे आएगा इंटीग्रेशन निकालूंगा तो आएगा टी रेज टू -3/-3, फॉर्मूला है ना, एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन है ना, तो -4 + 1 तो -3 देगा ना आंसर, प्लस इधर आ जाएगा लॉग डिटर्मिनेंट टी इज इक्वल टू लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस सी, को भी लॉग के फॉर्म में लिख दिया, माइनस दोनों के लिए, आप कुछ चाहिए तो भाई साहब को इधर ले लो, तो माइनस 1/-3 टी रेज टू 3, माइनस तो नीचे लिया और कुछ नया नहीं किया, 3 तो पहले से नीचे ही है, प्लस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, सिंपल, माइनस इससे तक कैंसिल हो जाएगा, हाँ बट इधर आएगा 1/t³ - क्योंकि माइनस इसके लिए भी और इसके लिए भी है ना, ये माइनस इधर भी था और इधर भी जाएगा ना, तो ये तो माइनस ही होगा, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता मैं माइनस, अरे बराबर, माइनस लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, ये समझा गया, हाँ या नहीं, चलिए ठीक है, 1/t का वैल्यू आपको मालूम है क्या, देखो टी का वैल्यू y/x³ माइनस लॉग ऑफ y/x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, इधर ना 3, क्लियर है, चलिए ठीक है, 1/3 y³ x³ माइनस, जरा ध्यान से, लॉग y माइनस लॉग एक्स, डिवाइडेड तो माइनस होता है ना, इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, ये एक्स क्यूब ऊपर जा सकता है, 3y³ माइनस लॉग वाई, वाई का वैल्यू तो ऐसे ही है, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, सारे लॉग को बाजू लेके जाना तो लेके जाओ, तो ये लॉग को इधर लेके आ जाओ, अब इधर तो कोई सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, माइनस लॉग वाई ब्रैकेट के अंदर था, बराबर है, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर था ना, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स सी इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ, अब ये फाइनल आंसर हो सकता है, ये फाइनल आंसर होगा, लेकिन आगे अगर सिंप्लीफिकेशन टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर के लिए जाओगे तो आपको इधर कॉन्स्टेंट की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मतलब आपने ये सॉल्व किया है तो एग्जामिनर इसका फुल मार्क देगा आपको, अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर को सर्च करोगे तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, भाई इधर लॉग एक्स माइनस वाई है तो पहले एक्स से वाई तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, फिर इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, बट इतना सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्लियर है, कंप्लीट।